नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है विनोद और आज हमारे पास एक स्वराज का बैक लोडर है, आपने वीडियोस में देखा होगा। आज हम एक्चुअली उसको टेस्ट करने वाले हैं एक्सट्रीम लेवल पे। देखो, ये जो समय है, गेहूं की फसलें खड़ी हुई हैं और सभी तरफ जो है फसलें हैं और खेतों में अच्छी खासी नमी है। नमी मीन्स के अपन खेत में आकाई किया, पलेवा किया, पानी दिया तो गीलापन है, नहर चल रही है हर जगह पर। और एक टाइम होता है गर्मियों में जब मिट्टी जो है सूख जाती है तो उस टाइम पे हल्की नमी रहती है, तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा पावर ज़्यादा कंज्यूम होती है और बहुत ज़्यादा हार्ड मिट्टी होती है जो पत्थर पत्थर टाइप का होता है, एक वहाँ पे होती है। तो हम जो है अभी वो वाला केस तो कर नहीं पाएंगे, अभी ये वाले केस में जो है एक्सट्रीम लेवल पर टेस्ट करेंगे इस बैक लोडर को कि भाई ये कितनी पावर लगा पाता है। ठीक है, तो हम इसको लेके जा रहे हैं इस वाले बैक लोडर को खुदाई करने के लिए मिट्टी पे, वो कहाँ पे, अपने खेतों पे। ठीक है, तो और मिट्टी जो भर के लाएंगे वो उसके लिए हम दो ट्रॉलियाँ ले जा रहे हैं। ठीक है, और उससे चलता रहेगा, तो वीडियो में बने रहो, दिखाते हैं इसमें ये वाले जो बैक लोडर है इसमें कितनी दम है। ठीक है, ये वाले की तो देखी है आपने, जेसीबी है वो, तो भाई इसमें कितनी दम है वो अपन जाँच करेंगे इस वीडियो में, तो एग्जैक्टली आपको पता लग जाएगा कि ये कितना उपयोगी है और किस किस को ये लेना चाहिए। वैसे तो अगर खुद का कोई काम करना चाहता है ना तो आराम से ले ही सकता है, लेकिन अगर आप और कुछ भी सोच रहे हो तो वो भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो में बने रहना, स्किप मत करना, आप थोड़ा सा आराम से देखो, मज़ा आएगा। ये जो बैक लोडर है और ये जो बैक लोडर है, इसमें और इसमें क्या अंतर है? सबसे बड़ा अंतर है पैसे का। आज की डेट में इसकी कीमत, ये 4x4 मशीन है, ये तो कम से कम 45 लाख प्लस होगी, और क्योंकि 4x4 है उसके कारण से, और ये BS4 भी है उसके कारण से, दो कारण से इसके सीधे सीधे 5 लाख रुपए बढ़ जाते हैं। अगर आप यहीं पे, ये 74 हॉर्स पावर है, मेन चीज़ ये 60 हॉर्स पावर का इंजन है, अगर आप इसी चीज़ को अगर 49 हॉर्स पावर में सिर्फ 3DX, अपनी 3DX प्लस है, अगर वहाँ देखेंगे ना आप 3DX प्लस है ये, अगर 3DX प्लस लेते हो, 49 हॉर्स पावर अगर लेते हो तो टू व्हील ड्राइव में, तो आपको ये मशीन पड़ती है करीब 37.5 लाख रुपए की अभी। ठीक है ना, थोड़े रेट अभी, अभी अप्रैल के बाद फिर बढ़ जाएंगे। अगर आप प्लस वाली लेते हो तो वो आपको 40 प्लस ही पड़ने वाली है। वहीं आप अगर 7.5-8 लाख का एक ट्रैक्टर लेके ये लगवा लेते हो तो ये 15 लाख के बीच में आपका काम हो जाता है। तो भाई कम पैसे में आपके पास साधन तो बन रहा है, टेक्नोलॉजी लगभग सेम, ऑयल टैंक कूलर वगैरह वगैरह, लेकिन भाई ये कितने, किस हद तक ये कारगर है वो हम समझेंगे। देखो, बूम साइड, बकेट साइड सब कुछ सेम है। ये एक ब्रांड है, ये एक बड़ा ब्रांड है, जेसीबी बड़ी फैक्ट्री में प्रॉपर मतलब व्यवस्था के थ्रू बनी है, और दिन भर में ना जाने कितनी मशीनें बनती हैं, एक दिन में एक फैक्ट्री में कितनी मशीनें बना देते होंगे कोई गिनती नहीं है, और वहीं इस मशीन को बनाने में इनको 2 महीने लगते हैं इनकी फैक्ट्री में। तो ये बहुत बड़े छोटे छोटे अंतर हैं, बड़े अंतर हैं एक्चुअली, छोटे नहीं हैं। तो इन सब चीज़ों के अपन उसी को टेस्ट करने के लिए लेके चल रहे हैं एक्सट्रीम लेवल पर, टेस्ट करेंगे इस मशीन का कितनी कारगर है।
तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं खेत पर और सारे के सारे साधन लेकर, और अब इस मशीन को हम चलाएंगे और टेस्ट करेंगे कि क्या ये जेसीबी की तरह काम कर पा रही है या नहीं। दो ट्रॉलियां हैं, इनको भर के देखेंगे और कुछ हमारे पास मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ है उसको हम लोडर से बराबर करके देखेंगे। ये देखो, वैसे रियलिटी की बात देखा जाए तो अलग से कोई भी चीज़ जब इंस्टॉल करते हैं तो वो उतनी कारगर हो नहीं पाती है, लेकिन अब ये कैसा काम करती है ये हमें देखना है। तो ये कुछ मिट्टी पड़ी है जिसको इस गड्ढे में डालना है। बिना किसी लोड के बहुत आराम से बहुत बढ़िया काम कर रहा है ये। इसमें स्पीड से ये जेसीबी की तरह इसलिए काम कर पा रहा है क्योंकि आगे यहाँ पे ये एक हाइड्रोलिक पंप लगा हुआ है जिससे ऑयल का फ्लो जो है पावर से मतलब और तेज़ी से जा रहा है। बस गियरों की समस्या है, गियर ट्रैक्टर की तरह ही डालने पड़ते हैं। जेसीबी में रहता नहीं है सिस्टम, एक बार गियर डाल दिया एक उसी में चलती रहती है, आगे पीछे कर लो, ये इसमें है नहीं। तो अगर कोई बनवाना चाहता है तो शिफ्टिंग शटल वाला गियर लें जैसा अपने नोवो में है। अब इसको ट्रॉली भर के देखते हैं कितने बकेट में और कितनी देर में ये भर पाती है, घुमा लो। तो अभी अपन ट्रॉली लगाते हैं और अब अपन चला के देखेंगे कि ये इस बकेट से कितनी बार में एक ट्रॉली भरती है और समय कितना लेती है। तो ये हमारी 1.25 फीट की ट्रॉली है जो कि स्टैंडर्ड साइज़ होता है। तो दोस्तों मैं ना स्टॉप वॉच लगा देता हूँ और ये एक्सेलेटर बढ़ा दिया है और ये देखो अभी 0-0 है और ये अपन ने चालू कर दी स्टॉप वॉच और देखते हैं कितने समय में कितने बकेट ये भरती है। ये पहला बकेट भरा रहा है, हो गया एक, ये हो गया दो, ये तीसरा जा रहा है और स्वराज दबदब जा रहा है। तीन हो चुके हैं और टाइम हो गया है 1:04, 1:04। चार, ये पांचवा, और इतनी भर गई ट्राली, पांच हो गए हैं। छठवा, छः, सात, 2 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। अभी कोने खाली हैं लेकिन आठ, ये हो गया नौ, Thank you.
सक्सेस। ग्यारह बकेट में ट्राली जो है लगभग फुल हो गई है और अभी भी चल रही है। समय 3 मिनट 10 सेकंड, ये 12 बकेट कंप्लीट। चोटी लगा के ट्राली 12 बकेट में भरा गई है। ऑपरेटर को ऊपर से ज़्यादा बढ़िया दिखता है कि कितनी रह गई है ट्राली, वो अपने हिसाब से भर देंगे। 13वां बकेट, ये 14 हो गई, 14 बकेट। और यहाँ पे अपन टाइम स्टॉप कर देते हैं 3 मिनट और 51 सेकंड में। ये देखो आप, 3 मिनट 51 सेकंड 21 माइक्रो सेकंड में 14 बकेट भर के, और ये ट्रॉली कितनी हो गई है। यहाँ पे कॉर्नर्स देख लो आप, कॉर्नर्स नहीं बचे हैं, चोटी लगी हुई है। और इस तरफ से चलते हैं, कुछ मिट्टी इधर फैल भी गई है। और मतलब ये नहीं है कि ट्रॉली एक साइड से खाली हो, किसी भी एंगल से ट्रॉली खाली नहीं है। देखो दोस्तों, ट्रॉली कितनी भरी हुई है, ट्रैक्टर लोड नहीं मार पा रहा। जगह बना ली है पहिए में, जगह बना ली है। यहीं खाली कर दो, आगे नहीं जा रही, यहीं कर दो खाली। तो दोस्तों ये बुरी तरह से फंस गई है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि हल्का सा जो खेत है गीला है और भैया बैठ गए हैं दोनों के दोनों, इसलिए लोड बहुत ज़्यादा हो गया है ना, तो खींच ही नहीं पा रहा है आगे। इसने भी जगह बना ली है, कोई मतलब नहीं है। अभी भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है।
खड़ा हो। एक बार फिर अब इसका सहारा लेना पड़ेगा, इसको सिंपली खाली करने में यार फंस गई, गीला खेत है ना। अब ऐसी सिचुएशन में जेसीबी बहुत बढ़िया काम करती है, अब इसको देखते हैं ये क्या कर पाती है। पीछे पीछे तो भाई सब जैसे तैसे निकल गई है ये, और काफ़ी गीली मिट्टी है, दस दस जा रही है, तो ज़्यादा कुछ अपन कर नहीं सकते। इसको वापस डलवा देते हैं इसी गड्ढे में किसी मशीन से, और मशीन काम बढ़िया कर रही है। बस ये है कि जेसीबी का नाम हो गया है, जेसीबी जैसी बन गई है वो, जेसीबी नहीं है।